नंबर वन में आई कैन लोड मैक्सिमम 5,000 टन्स, तो वो सब बातें हमें पता हैं। उसके हिसाब से आई नो माई शिप्स जी ए जनरल अरेंजमेंट प्लान एंड ऑल्सो आई हैव गॉट माई शिप्स लोडिंग मैनुअल और हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स। उसके हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं तो भैया क्या कार्गो है और उसको कहाँ लोड करेंगे, क्या होगा हिसाब किताब। ठीक है जी, सो शैल यू बिगिन नाउ। तो 40 बच्चे आ गए क्लास में, एक एक बच्चा ध्यान से सुनना, ये दोपहर का टाइम है, इसके बाद हम सब ने पेट पूजा लंच तो करना ही है। ध्यान से सुनना, एक भी बच्चा जो अगर 40 में से नहीं है तो बेटा वो फिर ये काम न्यूमेरिकल नहीं कर पाएगा, ये भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है। सिंपल एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं। देखिए, यू थिंक यू हैव गॉट अ ट्रक इन आवर दिल्ली बॉम्बे, हमारे पास एक ट्रक है। वी नो दैट द स्पेस अवेलेबल इन दैट ट्रक, जिसके अंदर हमने लोडिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल 10 क्यूबिक मीटर है। 10 क्यूबिक मीटर हमारे पास जगह है जिसमें हम ट्रक लोड करते हैं, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट ऑफ द स्पेस इन द ट्रक। एंड आई नीड टू लोड बॉक्सेस ईच ऑफ 1 क्यूबिक मीटर, द साइज ऑफ ईच बॉक्स इज 1 क्यूबिक मीटर। देन हाउ मेनी बॉक्सेज आई कैन लोड इन माई ट्रक? टेन। वेरी सिंपल कैलकुलेशन, 10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 10। 10 बॉक्स हम अपने ट्रक में लोड कर सकते हैं। नाउ इफ आई टेल यू दैट द मैक्सिमम लोडेबल कैपेसिटी ऑफ माई ट्रक इज 8 टन्स, 8 टन है जो मैक्सिमम लोड कर सकते हैं ट्रक के ऊपर बोझ। ईच बॉक्स वेज 1 टन। नाउ हाउ मेनी बॉक्सेज आई कैन लोड? ओनली 8। कॉमन सेंस, सिंपल। तो इन दिस केस क्या होगा, 2 क्यूबिक मीटर स्पेस विल बी लेफ्ट एम्प्टी इन माई ट्रक। सही है कि नहीं है? बट हम उसको लोड नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं तो हमारा ट्रक ओवरलोड हो जाएगा, ट्रक टूट सकता है, तो वो जगह खाली चली जाएगी। तो इसके हिसाब से नाउ वी चेक आउट एंड डू अवर व्हाट वी से कार्गो स्टोरेज, कार्गो प्लानिंग, क्योंकि हमें हमारे जहाज की कैपेसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, क्या कार्गो लोड करना है, वो कितनी जगह घेरेगा, हाउ मच स्पेस इट विल ऑक्यूपाई, वो भी पता है। उसके हिसाब से हम उसको लोड करते हैं, कार्गो प्लानिंग स्टोरेज करते हैं। तो उसके हिसाब से हम शुरू करते हैं अपना काम। पहला टर्म इज कॉल्ड ग्रेन कैपेसिटी। सम पिक्चर ओवर हियर मींस द टोटल वॉल्यूम ऑफ एनी होल्ड और स्पेस विच विल ऑब्वियसली बी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट ऑफ दैट होल्ड। ग्रेन कैपेसिटी का क्या मतलब है? इफ यू लोड एनीथिंग इन बल्क, फॉर एग्जाम्पल बल्क ग्रेन, कोल और फर्टिलाइजर, इट विल ऑक्यूपाई ईच एंड एवरी नुक एंड कॉर्नर। कोई जगह खाली छूटने वाली नहीं है, हर जगह घुस जाएगा ग्रेन या बल्क कार्गो। तो उसको हम बोलते हैं ग्रेन कैपेसिटी ऑफ माई होल्ड, रेफर टू ऑब्वियसली एज आई सेड, ये होल्ड की डायमेंशन जो भी है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, और जो भी हमें अपने लोडिंग मैनुअल में या क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 960 क्यूबिक मीटर इज अ ग्रेन कैपेसिटी ऑफ एनी होल्ड गिवन टू मी। ठीक है, सिंपल सा टर्म। अगली टर्म अगर हम देखें, बेल कैपेसिटी। बेल कैपेसिटी, हाँ बेटा, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ सुनिए, है ना। आपको मैं लिखने के लिए भी टाइम दूंगा एज एंड वेयर एवर इट इज नीडेड, अभी आप सिर्फ सुन रहे हैं। आप चाहें तो लिख लें, कोई बात नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है। देन नेक्स्ट इज अ व्हाट वी रेफर टू एज बेल कैपेसिटी। बेल मींस द कैपेसिटी ऑफ द होल्ड अवेलेबल फॉर ब्रेक बल्क।
any cargo which is not in bulk, we say is called break bulk cargo. For example, steel coils, steel pipes, cotton bales, containers, boxes, anything जो कि break bulk में है, उसमें क्या होगा? It will not be occupying all the spaces inside the hold. कोई जगह खाली बच जाएगी, जैसे ship side frame है या ladder के अंदर, तो some spaces will be left unfilled because break bulk cannot go and fit inside these small frames or whatever. Bale capacity to be referred for loading anything in break bulk, for example cotton bale or steel coil or anything, obviously will be less than the grain capacity of the hold. So agar grain capacity maine bola, for example 960 cubic meter hai, to bale capacity for the same hold may be something like 900 or 800 cubic meter, usse kam hi hogi, will be given to us, will be known to us. उसके हिसाब से हम ब्रेक बल लोड करेंगे कि भैया कितनी बेल कैपेसिटी है उसके अंदर अवेलेबल. बस तो ये दो कैपेसिटीज हमने देखी. अब हमने सोचना है कि भैया कौन से डब्बे, कौन सा बॉक्स लोड करना है, कितनी जगह घेरेगा या कितना वेट होगा उसका. तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं स्टोरेज फैक्टर. इसको आप बाद में पढ़ के या लिखना है या पढ़ना है, जो भी है, आप पहले मेरी आवाज सुनिए. स्टोरेज फैक्टर, SF शॉर्ट फॉर्म, यानी कि हाउ मच स्पेस अ यूनिट टन और यूनिट वेट ऑफ द कार्गो विल ऑक्यूपाई. यूनिट ऑफ स्टोरेज फैक्टर इज मीटर क्यूब पर टन, मीटर क्यूब पर टन. सो इफ आई से फॉर एग्जाम्पल स्टोरेज फैक्टर ऑफ कॉटन बेल्स इज 1.32 मीटर क्यूब पर टन, इसका मतलब भैया एक टन कॉटन बेल 1.32 क्यूबिक मीटर जगह घेरेगी. ठीक है, स्टोरेज फैक्टर. नेक्स्ट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रोकन स्टोरेज. ब्रोकन स्टोरेज एज अ नेम सेज, भैया जो जगह वेस्ट हो गई ड्यू टू द शेप और साइज ऑफ द कार्गो. सो स्पेस वेस्टेड ड्यू टू द कार्गो शेप एंड साइज और डिजाइन ऑलवेज गिवन इन परसेंटेज. एक परसेंटेज होगी, कोई कार्गो हम लोड कर रहे हैं, कोई जगह खाली बच जाती है, परसेंटेज में दी हुई है. सो देन वी हैव टू कैलकुलेट what will be the gross stowage factor after applying for the broken stowage. In this particular example, if the stowage factor given is 1.32, broken stowage is given 10%, gross volume or gross stowage factor will be 1.32 plus 10% of 1.32, that is 1.45 मीटर क्यूब पर टन. ज्यादा जगह चाहिए क्योंकि कुछ जगह वेस्ट हो रही है. सो इन द ब्रेक बल्क कार्गो, इफ द ब्रोकन स्टोरेज इज ऑल्सो गिवन, देन वी हैव टू फाइंड आउट फाइनल स्टोरेज फैक्टर आफ्टर अप्लाइंग द ब्रोकन स्टोरेज टू इट बाय द सिंपल मेथड एज आई जस्ट सेड. So now we have just talked about what is stowage factor and what do you mean by broken stowage, and then how you add that broken stowage percentage to the stowage factor itself to find out the final or gross volume or stowage factor occupied by any cargo as given to us. अभी भी इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं. जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें हम बार बार लिखेंगे. अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं और समझ रहे हैं भैया व्हाट डू यू मीन बाय स्टोरेज फैक्टर.
ऑफ एनी कार्गो. बोलो सर, जैसे 10% दिया है तो सर 10% का जो होल्ड का वॉल्यूम होगा उसका माइनस करेंगे या सर जितना जो लोड हो रहा है उसका माइनस करेंगे? एक्सेलेंट, आपने क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैंने आपको जो समझाया और जो लास्ट लाइन में सॉल्व किया है. देखिए अभी हमने क्या आपके सामने सॉल्व किया, एड दैट परसेंटेज ऑफ स्टोरेज फैक्टर टू द स्टोरेज फैक्टर टू फाइंड आउट द फाइनल स्टोरेज फैक्टर आफ्टर अप्लाइंग फॉर द ब्रोकन स्टोरेज टू द कार्गो इट्सेल्फ. लेकिन जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो भी वैलिड है, वो भी बेसिकली फंडा वही है. व्हेन वी डू सम क्वेश्चंस वी विल अप्रिशिएट एंड वी विल चेक आउट दैट. आपने बिल्कुल सही पूछा है, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में तो ब्रोकन स्टोवेज कॉटन बेल्स की दे रखी है ना, इसमें होल्ड की बात नहीं करी अभी. यस सर. हाँ शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और सही क्वेश्चन पूछा. फंडा वही है, स्टोरेज फैक्टर हो गया. नेक्स्ट हमने बात की थी हमारा ट्रक 8 टन, दैट इज अ मैक्सिमम लोडेबल क्वांटिटी ऑन माय ट्रक. फॉर एग्जांपल हमने बोला भैया 8 टन से ऊपर लोड नहीं कर सकते. शिप में क्या है, परमिसिबल लोड डेंसिटी, PLD, परमिसिबल लोड डेंसिटी, यानी कि भैया हाउ मच लोड यू कैन पुट ऑन एनी एरिया ऑफ द होल्ड और एनी यूनिट एरिया ऑफ द होल्ड. इसका यूनिट है टन्स पर मीटर स्क्वायर. परमिसिबल लोड डेंसिटी का यूनिट टन्स पर मीटर स्क्वायर है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं. अब मैं आपको बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल द टैंक टॉप ऑफ माई होल्ड, जो कि नीचे उसको बोलते हैं टैंक टॉप, जिसके ऊपर आप कार्गो डालते हैं. एरिया गिवन टू यू इज 12 × 12 meters, लेंथ इंटू ब्रेथ. PLD गिवन टू यू इज 2 tons per meter square ऑफ दैट होल्ड टैंक टॉप. देन वॉट इज द मैक्सिमम टोटल कार्गो आई कैन लोड is area into PLD, that is 12 into 12 into 2 is equal to 288 tons only. तो भैया मैक्सिमम कार्गो आप इस पर्टिकुलर होल्ड में 288 tons ही आप लोड कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं. तो मैक्सिमम लोडेबल क्वांटिटी भी देख ली, वॉल्यूम कितना है, ग्रेन कैपेसिटी कितनी है, स्टोरेज फैक्टर कित, उसके हिसाब से हमने दोनों चीज़ें हिसाब से हम करते हैं और अपना लोडिंग करते हैं और चेकआउट करते हैं, कार्गो प्लान बनाते हैं. ठीक है बेटा, देखिए 40 में से I am sure all 40 of you are listening, paying attention to me. अगर एक बच्चा या जो भी बच्चे अगर इसको नहीं सुन रहे बेटा, ये कर नहीं पाएंगे. क्वेश्चन आ जाएगा 25 नंबर का तो क्लीन बोल्ड ना हो जाए, क्योंकि पास आपने करना है बेटा, ध्यान देना. एक एक बच्चा मस्ट पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग नाउ. ठीक है बेटा? Yes, sir. हाँ शाबाश बेटा. तो देखिए जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये अभी बेसिकली हर चीज कॉमन सेंस है, कोई हाईटेक चीज नहीं है. अब हमने इन दिस केस फॉर एग्जांपल 280 टन लोड किया, 288 टन्स, तो हो सकता है इट इज वेरी हैवी कार्गो, फॉर एग्जांपल आयरन ओर, फॉर एग्जांपल. तो भैया आपने 288 टन डाला इस होल्ड के अंदर, कार्गो होल्ड तो अभी आधा ही भरा है, अभी पौना ही भरा, पूरा नहीं भरा, तो दैट स्पेस विल बी लेफ्ट अनफिल्ड, क्योंकि आई डोंट वांट टू ओवरलोड द होल्ड, ये तो होल्ड टूट जाएगा, जहाज टूट जाएगा. इवन इफ 50% ऑफ वॉट एवर परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम इज लेफ्ट अनफिल्ड, इफ आई एम लोडिंग अ हैवी कार्गो, फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर, इसलिए जहाज में लिखा होता है भैया नंबर वन होल्ड,
1000 टन, तो उसके ऊपर नहीं लोड करना, चाहे पूरा भर जाए चाहे पूरा ना भरे, क्या समझे? यस सर, शाबाश, यस सर। और ऑन दी अदर एंड, शाबाश बेटा, यस सर करते रहा करो, सो मेरे को भी आपके एनर्जी मिल जाती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ग्रेन लोड करेंगे तो देखेंगे आपने होल्ड पूरा भर दिया, 100% ग्रेन से भर दिया, स्टिल परहैप्स ओनली 250 टन ही लोड हुआ है, क्योंकि ग्रेन हल्का है ना, हल्का होता है ना अनाज। यस सर। तो फिर आप उसमें क्या कर सकते हैं, फिर आपने तो होल्ड 100% भरी दिया है, तो देन दैट इज द मैक्सिमम यू कैन डू, देन पीएलडी डज नॉट कम इनटू प्ले, बट वो हम पहले ही चेक करेंगे। तो ये है बेटा, तो इसके हिसाब किताब से हम लोग बैठ के सम सिंपल कैलकुलेशन जरूर करते हैं, स्टोरेज फैक्टर न्यूमेरिकल्स कहो या कैलकुलेशन कहो, कार्गो प्लानिंग कहो, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो अभी मैं समझा ही रहा हूँ। व्हेन वी प्रैक्टिस वी विल राइट दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन फॉर अवर गुड अंडरस्टैंडिंग। सर पीएलडी केवल हाई डेंसिटी कार्गोस के लिए होता है? नहीं नहीं, ऐसा देखिए मैंने आपको दोनों एग्जांपल दिए, पीएलडी कोई भी कार्गो लोड करो इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, चाहे हल्का हो चाहे भारी कार्गो हो। अब हाई डेंसिटी के लिए आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा, ये ओवरलोड ना हो जाए। और सुन लीजिए, पीएलडी तो चलो एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन में देंगे, जहाज पे कहां मिलेगी, योर शिप्स कैपेसिटी प्लान लिख लीजिए। एक जहाज का जैसे जीए जनरल अरेंजमेंट प्लान होता है, ऐसे सी कैपेसिटी प्लान भी होता है, जिसमें आपके जहाज की पीएलडी और सारी कैपेसिटीज, वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, जो भी है हिसाब किताब, क्या कैपेसिटीज हैं, पीएलडी आपके टैंक टॉप की, आपके हैच कवर की, आपकी मेन डेक की, अलग अलग होगी, हो सकती है, कहीं भी पीएलडी एक्सीड नहीं करनी चाहिए, है ना बेटा? तो वील रेफर टू आर शिप्स कैपेसिटी प्लान एज अ चीफ ऑफिसर एंड वी कैन चेक आउट, लोडिंग मैनुअल में भी लिखा होगा, कई जगह लिखा होगा। तो इसके हिसाब से वी विल जस्ट चेक आउट सम बेसिक कैलकुलेशंस, वो चेक आउट करें बेटा। यस सर। शाबाश। हाँ जी सर। यस सर। अरे वाह, शाबाश शाबाश शाबाश, कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर और रजिस्टर्स हैं। पहला अगर हम यस क्वेश्चन वन देखें बेटा, कोई पढ़े मेरे लिए। A ship hold grain capacity is 636 meter cube is filled with grain, stowage factor of 1.37 meter cube per ton. How much grain can be loaded in same by weight? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ग्रेन कैपेसिटी दी हुई है, स्टोरेज फैक्टर ग्रेन का दिया हुआ है, पूछा है भैया कितना आप लोड करोगे, ठीक है? तो स्टोरेज फैक्टर हमने देखा 1.37 मींस 1 टन विल ऑक्यूपाई 1.37 क्यूबिक मीटर एंड वी हैव गॉट टोटल कैपेसिटी, ग्रेन कैपेसिटी गिवन टू अस 636 क्यूबिक मीटर, डिवाइड 636 बाय 1.37, आंसर इज 464 टन्स आई कैन लोड। आ गया ना सीधी सीधी बात? Yes, sir. बस yes, sir. ये तो कुछ भी नहीं है, आप लोग तो 12th में सबने डिस्टिंक्शन लिया मैथ्स में, ये तो कुछ भी नहीं है, तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, आराम से बेटा एक क्वेश्चन कोई पढ़ेगा मेरे लिए। Wind deck bale capacity 1,084 meter cube, 14 into 10 into 8. Ship has to load cotton bale 220 metric ton. Stowage factor 2.00 meter cube per ton and broken stowage 10%. And jute bales stowage factor 2.01 meter cube per ton, broken stowage 8%.
calculate how many tons of jute bales can be loaded and up to what weight cotton bales will be loaded. ठीक है, क्वेश्चन हमने देखा और हम देखते हैं, दोबारा देख सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं और हम इसको सॉल्व करना फिर शुरू करेंगे जैसे मैंने नीचे सॉल्व किया हुआ है आपके लिए. अगर हम देखें तो भैया बोलता है ट्विन डेक में 220 टन्स कॉटन बेल ऑलरेडी हमने लोड की हुई है, उसके ऊपर हमने जूट बेल्स लोड करनी है. तो कितनी जूट बेल्स लोड करेंगे और हाइट ऑफ कॉटन बेल्स क्या होगी, ऐसा एक क्वेश्चन है. कॉटन बेल्स स्टोरेज फैक्टर देखिए दिया हुआ है 2 मीटर क्यूब पर टन, ब्रोकन स्टोरेज दी हुई है 10%. सो वी नीड टू कैलकुलेट फाइनल स्टोरेज फैक्टर और ग्रॉस स्टोरेज फैक्टर आफ्टर एडिंग द ब्रोकन स्टोरेज टू दिस. 2 प्लस 10% ऑफ 2 इज इक्वल टू 2.2 क्यूबिक मीटर पर टन विल बी द स्टोरेज फैक्टर ऑफ कॉटन बेल्स आफ्टर अप्लाइंग ब्रोकन स्टोरेज टू इट. अब बोलता है 220 टन लोड किया हुआ है, सो हाउ मच 220 टन ऑफ कॉटन बेल्स विल ऑक्यूपाई. स्टोरेज फैक्टर 2.2 इंटू 220 इज इक्वल टू 484 क्यूबिक मीटर. 484 क्यूबिक मीटर तो ऑलरेडी ये जगह कॉटन बेल ही घेरेगी. वॉट इज द बैलेंस स्पेस अवेलेबल फॉर द जूट बेल्स. इनिशियल कितनी बेल कैपेसिटी दी हुई है, बेल कैपेसिटी लेंगे क्योंकि ये ब्रेक बल्क है, 1084 माइनस 484 इज इक्वल टू 600 क्यूबिक मीटर जगह बची हुई है जिसमें आपने जूट बेल्स लोड करनी है. सही है कि नहीं है? साथ के साथ अभी लिखना मत बेटा, अभी थोड़ा सा आप मेरी आवाज सुनिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. आई विल गिव यू फर्दर टाइम, देन परहैप्स यू कैन डू इट विद योर ओन हैंड. जो बच्चा बहुत फास्ट है अगर आप अपने हाथ से भी करेंगे मुझे कोई इतराज नहीं है, बट थोड़ा सा मेरी एक्सप्लेनेशन जरूर सुन लेना ताकि आपका फंडा क्लियर हो जाए. अब जूट बेल्स का वेरी गुड, जूट बेल्स का देखिए मुझे अपनी बातें याद आती हैं. जब आई रिमेम्बर आई वॉज इन स्कूल इन 10th और 11th और 12th, तो हमें भी मैथ्स टीचर ऐसे पढ़ाता था, हम साथ के साथ अपनी तरफ से लगे हुए हैं, वो ऊपर पढ़ा रहा है, तो ऐसा होता है. वेरी गुड, समटाइम्स टीचर आगे निकल जाता था, समटाइम्स हम भी टीचर से आगे निकल जाते थे. स्टोरेज फैक्टर 2.01 मीटर क्यूब पर टन है, ब्रोकन स्टोरेज 8% दी हुई है जूट बेल्स की, क्वेश्चन में दी हुई है देखिए. सो ग्रॉस स्टोरेज फैक्टर आफ्टर एडिंग ब्रोकन स्टोरेज टू द जूट बेल्स विल बी 2.01 प्लस 8% ऑफ 2.01, दिस इज इक्वल टू 2.17 मीटर क्यूब पर टन. आ गया, जगह कितनी अवेलेबल है, 600 क्यूबिक मीटर. डिवाइड कर दीजिए 600 बाय 2.17, आंसर आ गया 276 टन्स ऑफ जूट बेल्स कैन बी लोडेड. आ गया आंसर भैया, 276.5 टन जूट बेल हम लोड करेंगे. अब पूछा है भैया व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कॉटन बेल्स, क्योंकि नीचे पहले कॉटन बेल्स ऑलरेडी लोडेड हैं, टू व्हाट हाइट. कॉटन बेल्स की वॉल्यूम हमने कितनी निकाली, ये देखिए आपके सामने 484 क्यूबिक मीटर. एरिया ऑफ द ट्विन डेक कितना है, लेंथ इनटू ब्रेथ 14 इंटू 10, 484 डिवाइड बाय 14 इंटू 10, दैट इज 140 इज इक्वल टू 3.46 मीटर विल बी द हाइट ऑफ द कॉटन बेल्स. उसके ऊपर आपने जूट बेल्स लोड करी है, उसकी हाइट होगी 8 मीटर्स माइनस 3.46 इज इक्वल टू वॉट एवर 4.54 मीटर जो भी है. ये क्वेश्चन हो गया. कर लीजिए और जिसको 100% कॉन्फिडेंस है आपने पूरा समझ लिया जो मैंने समझाया है, तो ऐसी जरूरत नहीं है कि अभी आप बैठ के इसको कॉपी कर रहे हैं या कर रहे हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है.
What do you say? Everybody is with me? Sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आगे हम चल सकते हैं, क्वेश्चन थ्री कर सकते हैं. हाँ कर सकते हैं, क्योंकि आप आपसे कोई छूटने वाली नहीं है, हर चीज आपको मिलने वाली है. आपने जरा पढ़ाई करनी है, आपको हर चीज मिलेगी, इंक्लूडिंग दीज क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सेंड यू. आई टेल यू, वेट. क्वेश्चन थ्री पढ़ो बेटा. सर आया नहीं अभी तक. हाँ बेटा क्वेश्चन थ्री लगा दिया मैंने, देखिए जरा. आ गया सर. हाँ जी पढ़िए. राइस बैग वेट 50 केजी, ऑक्यूपाइज अ स्पेस ऑफ 0.5 क्यूबिक मीटर्स, अ कार्गो होल्ड बिल कैपेसिटी इज 8000 मीटर क्यूब, स्पेस ऑफ 20% इज टू बी लेट फॉर वेंटिलेशन, हाउ मच राइस बैग्स कैन बी लोडेड. देखा, अब ये एक बच्चा पूछ रहा था ना सर, होल्ड की कैपेसिटी अगर हमने छोड़नी है तो ऐसा क्वेश्चन आ गया. आराम से देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. 50 किलो का एक राइस बैग है, जगह कितनी घेरता है? 0.1 क्यूबिक मीटर. अवेलेबल जगह कितनी है? ये है. ओके करते हैं. सो पहले हम बात करेंगे, लेट्स फाइंड आउट द स्टोरेज फैक्टर ऑफ द राइस बैग्स इन मीटर क्यूब पर टन. एक टन में 1000 किलो होते हैं हमें पता है, ये हमें पता है. 1000 kg is equal to 1 टन. एक बैग में 50 किलो है, सो 1000 by 50 is equal to 20 राइस बैग्स में एक टन बन जाता है. 20 राइस बैग्स विल ऑक्यूपाई हाउ मच? 20 × 0.1, दैट इज 2 meter cube पर टन राइस बैग्स का हमें स्टोरेज फैक्टर मिल गया. मिल गया कि नहीं मिल गया? हाँ बेटा, 2 meter cube पर टन हमने अभी अभी राइस बैग का स्टोरेज फैक्टर अपने हाथ से निकाल लिया है. होल्ड कैपेसिटी हमें दी हुई है 8000 क्यूबिक मीटर. अब वो बोला भैया 20% जगह खाली छोड़नी है वेंटिलेशन के लिए, राइस को वेंटिलेशन चाहिए. सो डिडक्ट 20% ऑफ 8000 फ्रॉम 8000, कितनी जगह बची? 6400 मीटर क्यूब जगह बची है जिसमें आपने राइस बैग्स लोड करने हैं. स्टोरेज फैक्टर कितना है? 2. डिवाइड कर दीजिए 6400 / 2 इज इक्वल टू 3200 टन्स राइस बैग्स कैन बी लोडेड. अभी नंबर ऑफ बैग्स करने हैं तो हमें पता है एक टन में 20 बैग्स आते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 से, आंसर आया 64000 बैग्स. क्वेश्चन पूरा हो गया? क्या समझे? ये है क्या है हमारी भाई, कॉपी पेंसिल हमारे हाथ में है, हम ऐसा हिसाब किताब लगाते हैं, सारे काम कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. सर क्वेश्चन को कॉपी करना था, एक बार पीछे कर दोगे? फोटो खींच लूंगा. हाँ बेटा देखिए, फिक्र मत करो, मैं पीछे भी कर दूंगा आगे भी कर दूंगा, बट जैसे मैंने तुम्हें बताया आपको फोटो खींचने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ. जस्ट वेट, आई एम हियर टू गाइड यू. ठीक है? ये सारे क्वेश्चन मैं आपको ईमेल करने वाला हूँ. मैं कॉपी कर लूंगा आपसे. सुन ले बेटा, ये सारे क्वेश्चन आपको ईमेल करने वाला हूँ आज शाम को. क्या समझे? नहीं सर, मैं खुद करूंगा आपसे तो मुझे आ जाएगा ना, ईमेल तो मैं पढ़ता रहूंगा बाद में. कोई नहीं ले बेटा, जब तेरे सामने कोई भी स्लाइड करी है जितनी मर्जी फोटो ले, मुझे कोई एतराज मुझे कोई नहीं. सर हाथ से कर रहा हूँ. एक मिनट करके देखूंगा, बस लास्ट का देख रहा हूँ. कर ले बेटा, कर ले, क्योंकि मैं क्वेश्चन थ्री पे चला गया था ना, तो गाड़ी पीछे ना रह जाए. नहीं नहीं सर, 2 मिनट. हाँ
देख ले बेटा, कोई बात नहीं. ऑल दीज क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सेंड यू टूडे इवनिंग फॉर योर प्रैक्टिस इन द वीकेंड, इंक्लूडिंग द लिफ्टिंग गियर क्वेश्चन एंड दीज क्वेश्चन. ठीक है सर. हाँ ओके सर. तो ये नहीं कि किसी का मिस हो गया तो मैं पीछे रह गया क्लास में, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला. क्लास में जो आपने मेरे से इंटरेक्शन करना है, आपने ध्यान देना है, मैं जो समझा रहा हूँ उस पर हम ध्यान देते हैं. शाबाश. क्वेश्चन नंबर 3 देखते, 4 देखते हैं बेटा. अब कौन पढ़ेगा ये, एक बार पढ़ो बेटा. कार्गो होल्ड, कार्गो होल्ड 22 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 12 मीटर ऑफ बेल कैपेसिटी 900 मेट्रिक क्यूब एंड लोड डेंसिटी ऑफ 5 टन बाय मेट्रिक स्क्वायर इज टू बी फिल्ड सो एज टू मैक्सिमाइज द कार्गो अवेलेबल इज. हां द कार्गो अवेलेबल इज, बेटा आगे पढ़ो, ये पढ़ो इसको. स्टील बिलेट्स स्टोरेज फैक्टर 0.7 मेट्रिक क्यूब बाय 10 रेट $30 per ton, cotton bales, storage factor 2.8 metric cube per ton, weight $50 per ton. Very good. How much of each cargo you will load and what is the freight earned? Very good. अब देखिए क्वेश्चन हमारे सामने आया, हमने इसे पढ़ा और हमने देखा two different cargoes need to be loaded, steel billets and cotton bales. अलग अलग स्टोरेज फैक्टर है. तो यही पूछा है भैया, हाउ मच ऑफ ईच कार्गो यू लोड एंड देन व्हाट इज द फ्रेट अर्न्ड. अब हम सोच रहे हैं और हम सुन रहे हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं. टू अननोन्स क्वेश्चन में क्या है, हाउ मच ऑफ ईच, एक ये अननोन है एक ये अननोन है, दोनों के आंसर चाहिए है ना बेटा. सो the only way forward for this question is let's assume we can load x tons of steel billets and let's assume we can load y tons of cotton bales. Kyunki do unknown hai, we need to find out two unknowns, the value of x and y. Hame diya kya kya hai usse usko leke aage chalte hain. PLD, as per PLD, what is the total maximum cargo we can load is what is the area of the cargo hold, length into breadth 22 into 15 into PLD given to us 5 tons per meter square. So what I get is 1650 tons is the total cargo I can load, maximum cargo as per the PLD given. So पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई, x प्लस y इज इक्वल टू 1650 आ गई. यस सर. वेरी गुड. यस सर आ गई. तो दो अननोन है, वी नीड टू इक्वेशंस विद व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन. अब हम स्टोरेज फैक्टर. वेरी गुड, एक्सेलेंट. अब हम बड़े आराम से सोच रहे हैं भैया, हाउ मच स्पेस दिस कार्गो विल ऑक्यूपाई. So this cargo will occupy 0.7x. 0.7 is the storage factor of steel billets plus 2.8y. 2.8 is the storage factor of cotton bales is equal to what is the volume available. Likha hua hai na bale capacity 3900 cubic meter is equal to 3900. Two linear equations with two unknowns. We can solve for x and y by just simply substituting the value of x in another equation and getting the value of x, steel billets 343 tons, whatever is written over here, and y, cotton bales is 1307 tons. Answer aa gaya. Freight kitna hai, वो टन्स को 30 से मल्टीप्लाई कर दे, इस टन्स को 50 से मल्टीप्लाई कर दे, टोटल $75,600 हमारा आंसर रेट आ गया. क्वेश्चन पूरा हो गया.
क्योंकि टू डिफरेंट कार्गोज हैं, सो दिस इज द ओनली मेथड टू प्रोसीड अहेड इज बाय एज्यूमिंग एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली वेट्स ऑफ दोज डिफरेंट कार्गोज एंड देन गो अहेड विद मेक द टू लीनियर इक्वेशंस विद पीएलडी एंड योर वॉल्यूम अवेलेबल सॉल्व इट. हाँ बेटा, यू आर कमिंग इन ब्रोकन, क्लियरली बोलो बेटा. हेलो. हाँ बोलो बेटा. जो फ्रेट होता है वो हमेशा वेट के टन्स के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा. हाँ ठीक है, ये आपने देखी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जो भी फ्रेट है इट डिपेंड्स कि कार्गो बाय वेट है या बाय वॉल्यूम है. अलग अलग कार्गो का अलग अलग हिसाब होता है. यहाँ तो वी आर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन वॉट एवर इज गिवन वी आर डूइंग दैट. देखिए ना कॉटन बेल्स आप देखते हैं ज्यादा जगह घेर रहा है तो उसका फ्रेट तो ज्यादा होगा क्योंकि है ना, इट इज गोइंग टू ऑक्यूपाई मोर स्पेस. अब मोटा आदमी है वो बोलता है भैया मोटा आदमी आपकी प्लेन की टिकट डबल होगी, आपको एक सीट में पूरे नहीं आते आप. ठीक है. यस. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कर लिया, सब ने कर लिया, 40 के 40 बच्चों ने. मैं तो एक अकेला जान हूँ बट आई नीड टू एंश्योर ऑल ऑफ यू आर विद मी एंड एग्रींग विद मी. यस सर. शाबाश. कोई बात नहीं, एज वी गो ऑन प्रैक्टिसिंग एज पर माई गाइडेंस आपका सारा हिसाब किताब पूरा होगा. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा, एक बार पढ़िए. A general cargo vessel whole dimension 24 into 18 into 12 PLD is 3.75 tons per meter square. Steel pipes stowage factor 1.05 meter cube tons and cotton bale stowage factor 3.45 meter cube per tons are to be loaded. How many tons of each cargo can be loaded and to what height? Also calculate up to what height each cargo will be. हाँ, ये भी same type of question है. इसमें हम height of the cargo भी calculate कर रहे हैं भैया, किस height तक जाएगा. Same question है, उसी हिसाब से हम इसको दोबारा कर सकते हैं और हम checkout करते हैं. Whole dimension दी हुई है इसमें, so we are just going to, we don't have any other dimensions except the length, breadth, height. Multiply, I get the volume as 5184 cubic meter of the hold. Obviously, deck area or the area of the tank top, length into breadth is 24 into 18, 432 square meter. PLD given to us is 3.75. Aapko di hui hai, tons per meter square. Multiply that by area, I get 1620 tons. वही बात है. सो दैट इज अ टोटल मैक्सिमम कार्गो आई कैन लोड. अगेन एज्यूम स्टील पाइप्स टू बी एक्स टन्स, कॉटन बेल्स टू बी वाई टन्स. सो वी गेट द फर्स्ट इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1620. सेकेंड इक्वेशन फॉर द वॉल्यूम दे विल ऑक्यूपाई इज ऑफकोर्स द स्टोरेज फैक्टर ऑफ स्टील पाइप 1.05 and cotton bales 3.45 y is equal to total volume 5184. So we just solve for these two linear equations by substituting the value of x or y, anyone, in the next over here, and we get the values of x and y. Steel pipes 168 tons, cotton bale 1451 tons. ये तो वेट ऑफ द कार्गो आ गया. सॉरी. सब ने सुना है और मैंने आपको पीपीटी में दिखाया है, ये वेट ऑफ द कार्गो हमारा एक आ गया, एक आंसर आ गया. हाँ के ना. यस सर. यस सर.
फिर यही पूछा भैया टू व्हाट हाइट, तो इधर हम थोड़ा सा अपनी तरफ से सोच रहे हैं, चाहे कभी कभी क्वेश्चन में जो हाइट पूछी है तो हमने देखना है स्टील पाइप्स तो हैवी है भैया स्टील की, कॉटन बेल्स हल्की है रुई है, तो नीचे पहले हैवी आएगा, पहले नीचे स्टील पाइप रखेंगे उसके ऊपर कॉटन बेल रखेंगे, तो इसलिए कुछ ये कार्गो ये पूछा हुआ है हाउ मेनी व्हाट हाइट, तो नीचे पहले स्टील पाइप आएगा, स्टील पाइप की हाइट कितनी होगी हमने देखी, स्टील पाइप की वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा, 168 टन्स इज अ वेट, स्टोरेज फैक्टर इज 177 क्यूबिक फीट जगह घेरेगा, तो हाइट ऑफ द स्टील पाइप्स विल बी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द होल्ड और एरिया ऑफ द टैंक टॉप 432 लेंथ इनटू ब्रेथ, ये रहा लेंथ इनटू ब्रेथ 432 वॉल्यूम बाय एरिया 0.41 सो जस्ट 0.41 मीटर विल बी द हाइट ऑफ द स्टील पाइप्स, उसके ऊपर फिर आपने कॉटन बेल रखनी है ऊपर तक राइट अप टू द 12 मीटर तक, तो हाइट उसकी कितनी आएगी 11.59 माइनस कर दीजिए 12 से, होल्ड भर गया हमारा, देखा ना हमने। यस सर। यस सर। शाबाश। तो देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बेसिक हम स्टेप्स देख रहे हैं। सर ये कॉटन का वॉल्यूम निकालने के लिए इसके ऊपर जो हाइट अब हमारे पास बच गई सर, तो उस पे इसका जैसे कॉटन का जो वेट आया 145 1.25 इसको इसके स्टोरेज फैक्टर से मल्टीप्लाई करके और डेक एरिया डिवाइड कर देंगे तो भी आएगा, वही आएगा सेम आएगा, तुम चेक करके देख लो सेम आएगा, बट इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने होल्ड को पूरा भरा है ऊपर तक, तो उसको माइनस कर देंगे, आप उसे भी चेक करना सेम आएगा बेटा, बिल्कुल सही बोला। यस सर सेम आ रहा है। बिल्कुल शाबाश, तो वो कैलकुलेशन भी दिखाने वो दिखाना है वो दिखा दो, मैंने आपको स्ट्रेट वे बता दिया। एक क्वेश्चन और करें सर, इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ ना कि सर ये फुल भरा हुआ है सर। हाँ देखिए क्वेश्चन आप देखिए, ऑब्वियसली वी नीड टू लोड टू द मैक्सिमम मींस वी नीड टू फिल अप द होल टू द फुल, क्योंकि देखिए हमने 1620 टन से ऊपर तो हम जा नहीं रहे ना, सो वी आर नॉट ओवरलोडिंग द होल्ड। यस सर यस सर, ओके सर कॉपी सर, समझ में आ गया। शाबाश 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 भैया, तुम सब तो फ्यूचर मर्चेंट नेवी के बंदे हो, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, तुमने तो बहुत बड़े बड़े काम करने हैं सर, तो फ्यूचर मास्टर हैं हम लोग सर। हैं फ्यूचर मास्टर हैं सर हम लोग। फ्यूचर मास्टर हो बिल्कुल, बट हम थोड़ा सा ये सोच के चलते हैं आज से 10 साल के अंदर अंदर आप सब कप्तान बनेंगे, उससे पहले तो ऑब्वियसली हाँ उससे पहले सेकंड ऑफिसर बनेंगे, लेकिन बेटा मैं इतना जरूर कह सकता हूँ खून पसीना आप लगाएंगे और सिंसियरली काम करेंगे तो कैप्टन तो क्या उससे भी ऊपर जाएंगे, ये नहीं कि हाँ आसान नहीं है बट नामुमकिन नहीं है, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, एवरीबडी सी आए दुनिया में सब लोग कैप्टन बनते हैं, बट हर बंदा खूब मेहनत करके ही आगे बढ़ता है, आसान नहीं है बिल्कुल आसान नहीं है, कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन करें या क्वेश्चनों को यहाँ पे अभी हम छोड़ें? सर टोटल कितने हैं मतलब? एक और करते हैं सर, बहुत फाइनल हो जाएगा सर, अभी इतना करते हैं सर, फाइनल हो जाएगा सही है। हाँ मैं समझ रहा हूँ बेटा, ठीक है फाइनल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे हम अभी मैं और नहीं कर रहा, अब मैं आपको क्या करने वाला हूँ, लाइक एवरी टाइम is a very simple thing, I am just going to send you the quiz on this storage factor quiz or okay, एक मिनट हाँ बेटा अभी क्लास चल रही है जाना नहीं, मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर रहा हूँ। ओके सो ऑल ऑफ यू मस्ट हैव रिसीव द क्विज, जरा एक बार देखिए बेटा,
मिल गया जी सर, आ गया। ठीक है तो बेटा देखिए हम अपना काम पूरा करते हैं, हमारे पास 10 मिनट है, बैठे बैठे इसको इसको आंसर कर दीजिए ताकि फिर मैं तुम्हारे पीछे भागता ना रहूं। कर दीजिए, मैं बैठा हूँ तुम्हारे साथ, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, जस्ट रिस्पॉन्ड टू दिस क्विज ऑल यू प्लीज, थैंक यू। हो गया सर। हाँ एक मिनट बेटा। सर हाँ बेटा एक मिनट, अभी जाना नहीं, अभी जस्ट थोड़ी सी बात और करेंगे आपसे। सर एक चीज बता दीजिए। हाँ एक मिनट बेटा, एक सेकंड। पूछो बेटा। सर ये जो अभी लास्ट क्वेश्चन कराया था ना आपने, हाँ इसमें हमने 1.05x plus 3.4y 5.84 के लिए वॉल्यूम टोटल, और पिछले क्वेश्चन में जैसे बेल कैपेसिटी दिया हुआ था तो हमने उसको बेल कैपेसिटी के ऊपर था, तो इन तो हम यहाँ पे कैसे क्या कर रहे हैं, अगर बेल कैपेसिटी नहीं दिया है। शाबाश आपने बिल्कुल सही पूछा है, क्योंकि इसमें बेल कैपेसिटी नहीं दिया तो जो फिर वॉल्यूम दिया फिर हम उसी को लेके चलेंगे। आपने बहुत अच्छा बात पूछी, अगर बेल दिया होता तो हम बेल को लेके चलते, बहुत बढ़िया। हाँ सही पूछा आपने बिल्कुल। सबमिट कर दिया सर। हाँ सबमिट कर दिया, तो एक सेकंड ठहरिए मैं जरा चेक करूँ किस किस बच्चे का आया है, अभी पता लग जाएगा। एक मिनट का साइन इन कर रहा हूँ बेटा मैं। वेरी गुड, अरे आप सबने आंसर कर दिया है एंड आई कैन सी ऑलरेडी 25 रिस्पॉन्सेस, 15 बच्चे और कर दो बेटा, शाबाश 15 बच्चे और कर दो। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आज दोपहर को शाम तक आई एम गोइंग टू सेंड यू ऑल दीज न्यूमेरिकल्स अटैचमेंट, तो अब वीकेंड में आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। आज का जो हमने स्टोरेज फैक्टर डिस्कस किया आपके साथ बैठ के, आज हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, 5 or 6 मोर ऑफ देम आर देयर, जो हम ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द कार्गो स्टोरेज और प्लानिंग एंड विच विल देन सफाइस अवर न्यूमेरिकल्स फॉर दिस पर्पस। समझ गए बेटा, तो आपको
ईमेल अटैचमेंट में ये सारे न्यूमेरिकल्स इंक्लूडिंग स्टोरेज फैक्टर एंड लिफ्टिंग अप्लायंसेस के मैं आज शाम को भेजने वाला हूँ फॉर योर गुड रेफरेंस। पर वो यूनियन परचेज का क्या होगा, वो और कुछ करना है उसका? हाँ, देखिए यूनियन परचेज मैं आपको जरूर बताता हूँ और आपको मैंने बेनिफिट्स और लिमिटेशंस बताए थे मेन, बट एक्चुअल वर्किंग एंड ऑपरेशन मैंने आपको नहीं बताया था। मतलब उसकी रिगिंग कैसे होती है वो भी ऑलमोस्ट आपको पता चल ही गया है, बट सम फाइनर पॉइंट्स आई डिड नॉट से। सो आई जस्ट सी इफ आई हैव 5 minutes मोर आई कैन श्योरली एक्सप्लेन दैट टू यू नाउ। क्योंकि अभी ना कुछ बच्चे सबमिट कर रहे हैं ना रिस्पॉन्स, तो ओके मैं आपको अभी बता देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। ये लीजिए, ओके सो देख लीजिए हमारे सामने जो मैंने आपको कल पीपीटी दिखाई थी, यूनियन परचेज, हाउ दिस सिस्टम इज रिग्ड एंड देयर आफ्टर वर्किंग। 5 minutes इज सफिशिएंट फॉर यू टू एक्सप्लेन टू यू। जो हमने कल भी बात करी, देखिए बेटा, एक डायरेक्ट इज पोजिशनड और स्टेशनड ऑन टॉप ऑफ द जेटी, another derrick is positioned or stationed on top of the hatch cover away as shown, hai na ji, as shown in this sketch, jahan pe usko rakhna hai us position mein la ke usko, hindi mein agar bolu, tent ki tarah taan dete hain, bandh dete hain, wo kaise hoga? Is ye dekhiye, ek to ye hai, this is called topping guy, you topping guy with your winch, यू ही ये डेरिक ऊपर चला जाएगा, लोअर करना है लोअर कर सकते हैं। उसके बाद आपने डेरिक स्विंग करना है, अंदर बाहर किसी भी जगह ले जाना है। सो साइड गाय, एक साइड गाय यहाँ पे ये वाला, सो यू पुल ऑन दिस रोप कॉल्ड साइड गाय, तो इस साइड आ जाएगा। इधर का साइड गाय हाथ से पुल करेंगे, ये बंबू उस तरफ चला जाएगा। अब इन दोनों को बीच में पास में लाना है, तो उसके लिए सेंटर गाय है, देखिए सेंटर में, सो दिस इज द सेंटर गाय, यू पुल ऑन द रोप ऑफ द सेंटर गाय विद योर हैंड, तो दोनों पास में आ जाएंगे, है ना। तो जहां भी आपको रखना है आपने उसको उस पोजीशन में लाके बांध के रख दिया। क्या समझे? इतना समझे? हाँ सर। हाँ जी सर। जैसे मैंने कल भी समझाया था, ऑब्वियसली आपको रनर वायर और बोथ द डेरिक शुड बी कनेक्टेड टू द कॉमन हुक, सो देयर आफ्टर यू आर जस्ट डूइंग द ट्रांसवर्स मूवमेंट ऑफ द कार्गो रनर वायर, पोर्ट टू स्टारबोर्ड, अंदर बार अंदर बार, तो जल्दी जल्दी आपका काम हो रहा है। आपको हर बारी डेरिक ऊपर नीचे दाएं बाएं करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको काफी हद तक कल भी समझाया था, है ना जी। एक ही हमने काम करना है आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रिवेंटर गाय। प्रिवेंटर गाय क्या होता है? एज अ नेम से प्रिवेंट करता है स्विंग ऑफ द डेरिक टूवर्ड्स अ लोड। अब देखिए फॉर एग्जांपल, ये 2 टन का लोड है, अब ये डेरिक जो है इधर भागेगा क्योंकि ये रोप इधर खींच रही है इसको रनर वायर से। तो प्रिवेंटर वायर ऑन द अदर हैंड इट मेड फास्ट ऑन टॉप ऑफ द डेरिक टू अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑन योर शिप्स डेक विच प्रिवेंट्स द मूवमेंट और स्विंग ऑफ द डेरिक टूवर्ड्स अ कार्गो हुक वेन इन लोडेड कंडीशन। सिमिलरली देर विल बी वन प्रिवेंटर गाय फॉर दिस डेरिक विच विल प्रिवेंट द स्विंग ऑफ दिस डेरिक टूवर्ड्स दिस कार्गो लोड वेन इट इज समवेयर इन द मिडल। समझे? हाँ
So that is a function of preventer guy and other guys, as I said, side guys for side swing, center guy to get both the directs together, and topping guy to the topping guy for the topping the directs. Ab dekhiye aap sketch mein dekh sakte hain. So this is one what we call heel block or lead block hai. Lead karke ja rahi na. So this is a lead block jo humne kuch questions bhi kiye the. In short. So this is the explanation as already explained to you. You can take a snap or you can write down now sitting over here. No issues. सर ये मेल कर देना सर फॉरवर्ड एक मिनट बेटा एक मिनट ओके कोई बात नहीं अभी एक एक या दो चीजें हैं मेल भी कर दूंगा और एल्स आई विल नो इश्यूज आपने सुन लिया है और ये आपने कल नोट कर लिया था वन थर्ड ऑफ द विल बी द सेफ वर्किंग लोड ऑफ द यूनियन परचेज ऑफ द इंडिविजुअल डायरेक्ट An angle not more than 90, sufficient tank crew, faster, efficient work. आपने तो सिर्फ सुना ही है, theoretically आप कुछ imagine कर रहे हैं, और आप फिर एक sketch मैंने आपको दिखाया है, बेटा पांच बच्चे अभी बचे हैं, 35 response मिले हैं, तो कोई बात नहीं बेटा, सब कर दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, ताकि मैं इसको close कर दूँगा. क्योंकि रिस्पॉन्ड सब करना एंड विद दिस आई विश यू अ हैप्पी वीकेंड एंड देन आई विल सी यू नेक्स्ट वीक कंटिन्यू ओके लंच हाँ जी बेटा लंच ब्रेक करते हैं लंच ब्रेक करते हैं थैंक यू सर ओके बिजिंदर लंच ब्रेक ठीक है सर बाय 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 बाय